नेक्स्ट टॉपिक लिखी है भाई, यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी, जो मेजरमेंट किया जाता है कि कितना एटम्स का डीके होगा कितने टाइम के अंदर, उसको कुछ यूनिट्स के अंदर मेजरमेंट किया जाती हो। तो उसमें पहली यूनिट है हमारी क्यूरी, फर्स्ट यूनिट है क्यूरी। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज सेड टू बी, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज सेड टू बी वन क्यूरी, इज सेड टू बी वन क्यूरी व्हेन 3.7 10 की पावर 10 डीके डीके टेक प्लेस इन 1 सेकेंड। 3.7 10 की पावर 10 डीके टेक प्लेस इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड के अंदर 3.7 10 की पावर 10 एटम्स क्या हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, 1 सेकेंड में बाहर निकल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 क्यूरी बोलते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग कि 1 क्यूरी इज इक्वल टू किसके होता है भाई, 1 CI इज इक्वल टू 10 की पावर 3.7 10 की पावर 10 डीके सेकेंड। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 10 की पावर 10 डीके पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड में इतना एटम्स बाहर निकल रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 क्यूरी। बस आपको ये बताना है कि कितना एटम्स क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं अभी, कितने एटम्स बाहर निकल रहे हैं, कितने पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, कर लोगे? सेकेंड डालिएगा ब्रीक्वल, सेकेंड है ब्रीक्वल। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज सेड टू बी 1 BQ व्हेन 1 DK टेक प्लेस, 1 DK टेक प्लेस इन 1 सेकेंड, 1 DK टेक प्लेस इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड के अंदर 1 पार्टिकल्स बाहर निकल रहा है, इट इज कॉल्ड 1 ब्रीक्वल्स। तो 1 BQ इज इक्वल टू कैसे लिखोगे, 1 DK पर सेकेंड, 1 DK पर सेकेंड। ठीक है, कर लोगे? लिखिए इसी में, इट इज द SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी, इसी में लिखिए, इट इज द डीके नहीं, डीके आएगा अभी, 1 DK पर सेकेंड। ठीक है, लिखो, इट इज द SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो अगर आप इसकी बात करते हो, देखिए 1 क्यूरी में इसमें रिलेशन क्या होगा, अगर 1 क्यूरी को लिखते हैं 1 CI इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ इसको मैं 3.7 10 की पावर 10 BQ 1 पर सेकेंड, कर लोगे? तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 10 की पावर 10 BQ, कर लोगे? तो दिस इज द सेकेंड यूनिट। थर्ड डालिए, थर्ड यूनिट है रदरफोर्ड, लिखिए रेडियो एक्टिविटी इज सेड टू बी 1 रदरफोर्ड, रेडियो एक्टिविटी इज सेड टू बी 1 रदरफोर्ड व्हेन 10 की पावर 6 डीके, व्हेन 10 की पावर 6 डीके टेक प्लेस इन 1 सेकेंड, 10 की पावर 6 डीके टेक प्लेस इन 1 सेकेंड। कितने हो रहे हैं, 1 RD इज इक्वल टू 10 की पावर 6 डीके टेक प्लेस इन 1 सेकेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं रदरफोर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है अल्फा बीटा गामा डीके, क्या होता है देखिए, सिंपल है भाई, जहां से अल्फा बाहर निकल जाएगा उसको अल्फा डीके बोलेंगे, जहां बीटा निकलेगा उसको बीटा, जहां गामा निकलेगा उसको गामा भी। तो पहला पॉइंट डालिए अल्फा डीके भी, लिखो, हाँ जी, डीके निकलना भी,
डिसइंटीग्रेट करना, उसका पार्ट है ये डीके, ठीक है। लिखिए इट इज ए फिनोमिना, अल्फा डीके में लिखिए इट इज ए फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, इट इज ए फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और एटम, फ्रॉम रेडियो एक्टिव एटम, ठीक है। अल्फा का बाहर निकलना भी, जब अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलता है तो क्या चेंज होता है एटम के साथ भी, लिखिए इन अल्फा डीके, इन अल्फा डीके एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम डिक्रीज बाय टू, डिक्रीज बाय टू एंड मास नंबर, मास नंबर डिक्रीज बाय फोर, मास नंबर डिक्रीज बाय फोर। तो उसको हम सिंपल रिएक्शन से दिखाते हैं, कोई भी एटम यूज करते हैं, एक्स यानी एटम है, इससे अल्फा पार्टिकल्स को बाहर निकाल लिया तो क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर दो कम हो जाएगा और मास नंबर फोर कम हो जाएगा भी, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, हीलियम को रिप्रेजेंट करते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को हम लोग एज अल्फा पार्टिकल्स, दिस इज अल्फा डीके भी, ओके। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें यूरेनियम ले लेते हैं 92-237, इससे अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकाल लो, कितना एटॉमिक नंबर हो जाएगा, 90, किसका होता है थोरियम का 90, ये कितना हो जाएगा 233 प्लस हीलियम, यानी अल्फा डीके निकलते ही हमारा नया एटम तैयार हो गया, कर लोगे यूरेनियम। सेकेंड पॉइंट इज बीटा डीके, इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना ऑफ एमिशन, इट इज अ फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स, इट इज अ फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स, ओके। इन बीटा डीके, इन बीटा डीके एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इज इंक्रीज बाय वन, इज इंक्रीज बाय वन एंड मास नंबर इज, एंड मास नंबर इज अनइफेक्टेड, मास नंबर इज अनइफेक्टेड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, किसी एटम से अगर आप बीटा पार्टिकल्स को बाहर निकालते हो तो उसका एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा और मास नंबर क्या रहेगा, अनइफेक्टेड रहेगा। तो दिखाते कैसे हैं बीटा पार्टिकल्स को हम लोग, माइनस वन जीरो से, ए माइनस वन जीरो, कर लोगे। एग्जांपल वही ले लेते हैं, थोरियम था ना टीएच, टीएच कितना था 90 और यहाँ पे कितना था 233, अगर इससे बीटा पार्टिकल्स को बाहर निकाल दूँ तो ये कितना हो जाएगा 91, किसका होता 91 पी ए और यहाँ पे 91 और 233, ये 233 था क्या, 233 प्लस, सही है। थर्ड पॉइंट डालिए गामा डी के, लिखो इट इज ए फिनोमिना, इट इज ए फिनोमिना ऑफ एमिशन, फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ गामा पार्टिकल्स, फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ गामा पार्टिकल्स, ठीक है। जब गामा एमिशन होता है अभी तो एटम पे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का भी, एटम वही रहता है,
एटॉमिक नंबर भी सेम रहता है, मास नंबर भी क्या रहता है, सेम। कर पाओगे? जरूरत नहीं लिखने की। तो आप एक्स जेड ए से गामा पार्टिकल्स को बाहर निकालोगे तो एक्स जेड ए बचेगा प्लस गामा रे या रे पार्टिकल्स जो भी आप यूज करते हो, गामा के लिए गामा यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए न्यूक्लियर रिएक्शंस। आपको एक रिएक्शन दी जाएगी और आपसे उसका नाम पूछा जाएगा। सिंपल वन मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? एक तो ये वाला बनेगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए इस तरह के क्वेश्चंस, कोई सिंपल ऐसा आता नहीं है लेकिन आ भी सकता है, एक दो बार पूछा गया है न्यूक्लियर रिएक्शंस भी। तो उसके लिए आपको पहले कुछ चीज़ों को पता होना चाहिए अभी, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो सिंबल्स यूज करते हैं किस किस के होते हैं अभी, ठीक है। एक तो सिंबल ये यूज करते हैं हम लोग, किसका, ये अल्फा पार्टिकल्स, यस और नो। एक अब ये यूज करते हैं, इट इज बीटा पार्टिकल्स, यस और नो। एक हम गामा के लिए यूज करते हैं, ये गामा पार्टिकल्स है, ओके। एक हम ये यूज करते हैं अभी H11, ये प्रोटॉन्स के लिए अभी। N01 भी ये न्यूट्रॉन्स के लिए भी। 0N1 इट इज फॉर न्यूट्रॉन्स भी। ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम यूज करते हैं अभी। न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारे पास कुछ भी हो सकती है। लिथियम यूज किया गया है 37 प्लस H11 इट बिकेम BE48 इट इज एनी न्यूक्लियर रिएक्शंस वे, ओके। समझ में आया? लिथियम में प्रोटॉन्स को ऐड किया गया तो ये बना, उससे अल्फा पार्टिकल्स को बाहर निकाला गया तो ये बना, यस आर नो। ये लगभग सारे क्या बने, आइसोटोप्स की फॉर्म में आ रहा है, कर लोगे भाई। अब क्वेश्चन आएगा इसका, इसका नाम बताइए रिएक्शंस का नाम क्या है भाई। तो बेस्ट ये चीज़ें इसमें ये देख लीजिए, इनिशियली किस साथ रिएक्शन करवाया गया है और एंड प्रोडक्ट क्या निकला है अभी, बस आपको ये चेक करना है अभी। किससे रिएक्शन करवाया गया है? प्रोटॉन के साथ भी, और आखिरी में क्या निकला है? अल्फा। तो इट इज प्रोटॉन अल्फा रिएक्शन भी। खत्म हो गया पॉइंट, प्रोटॉन अल्फा रिएक्शंस भी नाम है इसका। कर पाओगे? इनिशियली किस कौन है और एंड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, ओके okay? और एग्जांपल लिखते हैं। एक ही है भी। ये केमिकल रिएक्शंस नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शंस है भी क्लास, ओके? इसमें ऐड किया गया प्रोटॉन्स को भी, एंड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? न्यूट्रॉन। तो कौन सी रिएक्शंस है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शंस भी। बस यही बताना है, कोई भी रिएक्शंस आ जाए अभी आपको इनिशियली चेक करना है कि कौन सा पार्टिकल्स यूज किया गया है रिएक्शन करवाने के लिए और एंड पार्टिकल्स कौन सा। अभी उल्टा मत लिखना इसको भी, गलत हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली जो पहले है वो पहले भी, जो बाद में है वो बाद में। कर पाओगे? लिखिए क्वेश्चन, लिखिएगा जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इसी टॉपिक से। लिखिए रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस ए, कैपिटल ए, ए अंडरगोज द सीरीज ऑफ डीके, अंडरगोज द सीरीज ऑफ डीके अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखा है ए, इट इज A1, A2, A3, A4। यहाँ से अल्फा निकाला गया है, बीटा, अल्फा, गामा। रिएक्शन लिखिए, हो गया? लिखिए भाई, आगे लिखो क्वेश्चन में।
लिखिए द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ ए आर, द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ ए आर 180 एंड 72, 180 एंड 72, देन फाइंड दीज नंबर फोर ए फोर भी, फाइंड दीज नंबर फोर ए फोर, फाइंड दीज नंबर फोर ए फोर भी, ए फोर के नंबर निकालने हैं आपको। ये ट्रेंड आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस का बन रहा है अभी। तो इसमें क्या दे रखा है, इसके मास नंबर और एटॉमिक नंबर दे रखे हैं अभी। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर, और यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर भी। यस सर नो, अल्फा पार्टिकल्स को बाहर निकाला गया है, दो कम होंगे ये तो 176, बीटा को निकाला गया है तो ये 71 इंक्रीज बाय 1, मास नंबर इज अनइफेक्टेड। यस सर नो, अल्फा को बाहर निकाला गया है 69, इट इज 172, गामा को बाहर निकाला गया है 69 172। अगर वो अच्छे से पता है अल्फा बीटा गामा डीके के बारे में तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे भी। एक नंबर में क्वेश्चन आजकल ये आ रहे हैं भी, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए सीक्वेंस ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज, ए सीक्वेंस ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज, ए सीक्वेंस दे रखी है आपको, ओके ये सीक्वेंस गिवन है भाई। यहां से अल्फा निकल रहा है, यहां से बीटा पार्टिकल्स, यहां से अल्फा, फिर अल्फा भी, ओके कंप्लीट। लिखो द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ डी टू, द एटॉमिक नंबर ऑफ मास नंबर ऑफ डी टू इज 71 एंड 176, 71 एंड 176, ओके। फाइंड द वैल्यू फॉर डी एंड डी फोर, फाइंड द वैल्यू फॉर डी एंड डी फोर, निकाल पाओगे। डी टू का कितना भाई, डी टू दे रखा है ना, ये 71 176, निकाल के देखो कितना आएगा आंसर। डी वन कितना आएगा, अरे एक मिनट मेरे सुनिए, अब डी वन ये सही है, पता नहीं चल रहा क्या, ये वाला 172, ये वाला 168, सही है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन भी, ठीक है। फ्यूजन कौन सी प्रोसेस है, ये हैवी न्यूक्लियस को या हैवी एटम को टूटना स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर या स्मॉल एटम्स के अंदर भी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस भी। तो लिखिए एक बार, इट इज ए फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग, फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ए हैवी न्यूक्लियस इंटू टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई, टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, ओके। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज
इस प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो एग्जांपल करते हैं, यूरेनियम 92-235 स्ट्राइक करता है एक न्यूट्रॉन्स में, ऐसे लिखते हैं, स्ट्राइक करता है एक न्यूट्रॉन्स, इट इज स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स में। स्लो मूविंग क्यों करते हैं, अगर कांच को तोड़ना है तो बुलेट का यूज़ नहीं करेंगे, मैं पत्थर का यूज़ करेंगे, पत्थर का मास क्या है कम है, सॉरी स्पीड क्या है कम है, तो टूट जाएगा पूरा, बिखर जाएगा, और बुलेट क्या कर देगा, इसको पेनिट्रेट कर देगी, आर पार निकल जाएगी सुराख करके भी इसमें भी। मेरे को तोड़ना होता है किसी एटम को, पूरा बिखेरना है, तो एक ही तरीका है, जो स्ट्राइक करे उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, कम, नहीं तो आर पार निकल जाएगा उसके, वो कर लोगे। तो यूरेनियम ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस में यूरेनियम पे स्ट्राइक करेगा एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, इट ब्रेक इनटू टू पार्ट्स भी, बेरियम क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे इस प्रोसेस से, प्लस इस प्रोसेस से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी भी। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। ये एक्चुअली एटॉमिक बम का रिएक्शंस है, अभी जो बम तैयार किया जाता है ये ऐसे रिएक्शंस से होता है, कर लोगे समझ में आया। अभी जो एनर्जी है ना ये कम, एक्चुअल में इसको वैल्यू देखो तो जूल में देखो तो बहुत कम वैल्यू आएगा जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करके इसको, एक से कोई एनर्जी ज़्यादा रिलीज नहीं हो रही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब एनर्जी मल्टीप्लाई होने लग जाए अभी, उसको क्या बोलते हैं फिर, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस बोलते हैं। अब 3 न्यूट्रॉन्स प्रॉब्लम मेरे लिए अभी, ये 3 न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, 3 एटम को ढूंढेंगे अभी यूरेनियम के, उनसे फिर क्या करेगा, कोलिजन करेंगे, फिर उनसे हर एक से 3 न्यूट्रॉन्स फिर निकलेंगे अभी, समझ में आ रहा है। अब एनर्जी क्या आ रही है, मल्टीप्लाई हो रही है अभी, पावर की टर्म में, गुणा में नहीं, पावर की टर्म में, फिर पावर 2 फिर 3 फिर एंड सो ऑन भी, इस तरीके से भी कर लोगे। उस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस भी, लिखिए इसी में, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। देखिए यहां पे क्या किया हम लोगों ने, यूरेनियम पे स्ट्राइक किया एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, यही किया था ना, और इसके क्या बन गए, पार्ट बन गए अभी, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन, सही है, प्लस यहां से 3 न्यूट्रॉन्स बाहर निकले, यस सर नो, एक न्यूट्रॉन्स यहां पे ले लेते हैं, एक न्यूट्रॉन्स यहां पे, एक न्यूट्रॉन्स यहां से। अब ये न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेगा अगेन यूरेनियम एटम के ऊपर, ऐसा तो नहीं है कि सब्सटेंस में एक एटम होगा भाई, एटम मल्टीपल एटम्स में, तो फिर क्या होगा, इससे फिर 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, ये पूरी रिएक्शन दोबारा होगी इसकी, यस सर नो, 3 न्यूट्रॉन्स फिर रिलीज हुए यहां से, सेम यहां पे 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, फिर यहां से 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, यस सर नो, फिर ये न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, अगेन स्ट्राइक विद यूरेनियम, तो अगेन एनर्जी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई में पावर की टर्म है अभी, यस सर नो, अगेन 3-3 एंड सो ऑन, ठीक है। पहले एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, फिर 3 गुना हुई, अब 9 गुना, अब 27 फिर 81 टाइम्स, तो किस में हो रहा है, ये पावर में मल्टीप्लाई हो रही है एनर्जी, दिस इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस भी। इसको पूरा लिखिएगा, पूरी रिएक्शंस पूरा करना आपको, रिएक्शंस हर एक के साथ क्या निकलना है, फिर 3 निकलने हैं, समझ में आ रहा है, हर एक के साथ क्या होना है, 3 न्यूट्रॉन्स निकलने हैं, प्लस वो तो निकलने हैं बेरियम क्रिप्टॉन्स और वो वाले, वो हमारे लिए वेस्टेज है भी। हमें मेन यूज किसका है, मेरा न्यूट्रॉन्स का भी, एवी न्यूक्लियस को ब्रेक किया था स्मॉल न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है। इसको क्या करें, इसमें क्या करेंगे हम, 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई को कंबाइंड करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे या हैवी एटम बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। लिख लिए, इट इज अ फिनोमिना ऑफ कंबिनेशन ऑफ
phenomena of combination of two or more two or more lighter nuclei or atom and formed a heavy nucleus and formed a heavy nucleus. Okay, in this process energy is released. In this process energy is released. पहले वाले में हमने ब्रेक किया था, अब की बार क्या कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं इसको. देखो उसका सिंपल रिएक्शन लिखवाते हैं हम लोग. H11 + H11 गिव हीलियम प्लस एनर्जी. इस रिएक्शन से इसको शो किया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस को, लेकिन इट इज ए इनकम्प्लीट रिएक्शंस भी. देखो यहाँ पे बैलेंसिंग हो रही है, ठीक है, बताने के लिए कि टू लाइटर हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, हीलियम निक बना रहे हैं. देखिए अभी पहले केस में क्या करेंगे, टू हाइड्रोजन कंबाइंड होके हाइड्रोजन आइसोटोप बना रहा है. इस प्रोसेस में क्या निकल रहा है, ये क्या है, ये पॉजिट्रॉन है भी. इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, इट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन. और यहाँ से क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है. सेकेंड, ये जो आइसोटोप बना है ये कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, हीलियम का आइसोटोप्स प्लस ये क्या है, न्यूट्रॉन्स, यस और नो, प्लस एनर्जी. या तो ये कंडीशन हो सकती है या फिर ये बना के क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन का अगेन आइसोटोप बना सकते हैं. न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, इसको सिर्फ बताएंगे, लिखवाने की जरूरत नहीं आपको. न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, देखिए हमने न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करना है अभी, खासकर फ्यूजन रिएक्शंस को. और फ्यूजन रिएक्शंस क्या था, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन शुरू हुआ था, कंप्लीट रिएक्शंस. अब उसको कंट्रोल करके क्या कर दिया जाए, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया जाए अभी. तो ये डिवाइस, जो डिवाइस बोलिए या प्लांट बोलिए, इसको न्यूक्लियेटर क्या करता है, न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर. प्रिंसिपल क्या रहेगा इसका, आप लिख दोगे सिंपल, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. समझ में आया भाई. अब रिएक्टर में होता क्या क्या है, अभी देखिए रिएक्टर के अंदर सबसे पहले लिखी होती है शील्डिंग भी. शील्डिंग क्या, एक रूम है भी मान लीजिए, जिसकी दीवारें हैं भी होती हैं. इन दीवारों की खासियत क्या है, ये दीवारें 3 मीटर से लेके 5 मीटर तक मोटाई की होती है, मेड बाय हार्ड कॉन्क्रीट एंड स्टील्स भी, जिससे रिएक्शंस जो अंदर हो रही हैं उससे रेडिएशन जो निकल रही है वो बाहर ना निकले भी, बाहर वाले कोई भी जो ह्यूमंस है, लिविंग थिंग्स जो भी रहती है उस पर उसका फर्क ना पड़े भी. इसको बोलते हैं शील्डिंग भी. क्या बोलते हैं इसको, शील्डिंग, दीवारों को ही बोलते हैं. कर लोगे, ये रूम मान लीजिए, दीवारें क्या है इसकी, शील्डिंग, इस रूम के अंदर होना है. अब इस रूम के अंदर एक क्या है, एक बॉक्स और रखा गया है अभी, मेटेलिक बॉक्स बोल सकते हैं इसको आप लोग, ठीक है. इसके अंदर क्या डाल रखी हैं, न्यूक्लियर रोड है अभी, ये फ्यूल है, ग्लास की रोड होती है अभी, इसमें यूरेनियम भरा जाता है. क्या भरते हैं इसके अंदर, यूरेनियम्स. तो ये क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल है अभी, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर रोड्स या न्यूक्लियर फ्यूल्स भी. समझ में आ रहा है, कर लोगे. रिएक्शंस करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स चाहिए, क्या सर ना. अब न्यूट्रॉन्स की स्पीड ज़्यादा होती है अभी, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए इस पूरे बॉक्स के अंदर क्या भरा जाता है, एक सब्सटेंस भरते हैं जिस जो उसकी स्पीड को कम कर सके अभी. तो भरा जाता है यहाँ पे हैवी वाटर भी, हैवी वाटर जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को क्या कर सके, कम कर सके, या ग्रेफाइट भी बोलते हैं कई बार इसको, लेकिन हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं इसके अंदर, हैवी वाटर. तो इसको बोलते हैं मॉडरेटर भी, जो इनके बीच में भरा जाता है. क्या बोलते हैं इसको, मॉडरेटर. 3 पॉइंट आ रहे हैं, शील्डिंग, दीवारें हैं, फ्यूल्स यूरेनियम है, यस और नो, और स्पीड कम करने के लिए मॉडरेटर क्या है, हैवी वाटर है. कर पाओगे, अब रिएक्शन शुरू हो चुकी होगी, स्ट्राइक कर चुका होगा, 3-3 बार निकल रहे होंगे. अब 3-3 बार निकलेंगे तो अनकंट्रोल है भाई,
तो ब्लास्ट हो जाएगा पूरा डिवाइस। उसको कंट्रोल करने के लिए इन रोड्स के बीच में, इन न्यूक्लियर फ्यूल के बीच में रोड्स लगी होती हैं जो कि बोरोन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? बोरोन। ये बार बार अंदर बाहर होती रहती हैं। अभी इनका काम क्या है? जो तीन न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए हैं प्रोसेस से, उन तीनों में से दो को एब्जॉर्ब कर लेना। अभी समझ में आ रहा है? तीन में से क्या करना? दो को एब्जॉर्ब कर लेना। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या जाएगा? एक ही जाएगा। फिर रिएक्शन शुरू होगी, तीन निकलेंगे, फिर एक जाएगा, दो को एब्जॉर्ब कर लेगी रोड से। तो ये सारा सिस्टम क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। लेकिन लगातार रिएक्शन हो रही होंगे, तो ये एनर्जी जो है ये लगातार बढ़ रही होगी इस चैम्बर के अंदर छोटे में, तो भी ब्लास्ट हो सकता है। यस और नो? तो इसकी एनर्जी को बाहर निकालना है इस रूम से भी। तो इस पूरे रूम के अंदर एक लिक्विड भरा जाता है जिसको कूलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलेंट। वो होता है लिक्विड ग्रेफाइट। भी क्या होता है? लिक्विड ग्रेफाइट या लिक्विड सोडियम। भी सोडियम खासियत क्या है? एनर्जी को अपने अंदर मोस्टली क्या करता है? अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है एनर्जी को। कर लोगे? अभी भी प्रॉब्लम है इस एनर्जी में भी। रूम के अंदर एनर्जी है सारी। अब इसकी एनर्जी कहाँ चली गई? इसमें चलेगी, लिक्विड के अंदर। अब क्या करते हैं, इस लिक्विड को पाइपों के द्वारा भी बाहर लिया जाता है और एक बड़ा सा टैंक होता पानी का, उससे गुजारा जाता है। ये इस तरह से बनाए गए ट्यूब कि मैक्सिमम टाइम पानी में रह सकें। अभी ये कंटेनर है पानी का। कर लोगे? यहाँ पे पंप लगा रखा है, अभी मोटर बोल लीजिए। कर लोगे? और वापस यहीं पे। ये है कूलेंट। कूलेंट है चलता है इसमें से। यहां से गर्म आएगा कूलेंट। ये एनर्जी को जब ये पास करेगा पानी में से, अपनी एनर्जी को किसको ट्रांसफर कर देगा? पानी को कर देगा ट्रांसफर। यस और नो? और यहां से ठंडा होता कूलेंट का चला जाएगा वापस चैम्बर में, फिर गेन करेगा, फिर इसकी एनर्जी बाहर जाती रहेगी रूम्स की। यस और नो? किसको मिल रही है? पानी को। तो पानी क्या करेगा? बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और बॉयल से क्या निकलेगा? स्टीम निकलेगी, हाई प्रेशर स्टीम्स भी। उस हाई प्रेशर स्टीम को क्या करते हैं हम लोग? व्हील्स पे डालते हैं। व्हीलों क्या बोलते हैं? टरबाइंस बोलते हैं। कहाँ डालते हैं? व्हील्स पे, क्या घूमते रहते हैं जो। ये टरबाइन जुड़ा हुआ है किसके साथ है? इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ। यस और नो? किससे जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर से घूमेगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। अब यहाँ पे जो स्टीम कोल्ड हो गई है वो वापस पानी बन जाएगी, और इस स्टीम को वापस कहाँ डाल दिया जाएगा? इस चैम्बर के अंदर डाल दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर मेन चीज ये है। ये तो सिंपल प्रोसेस हम पहले भी कर रहे होते हैं। कर लोगे? दोबारा देखिए, दीवारें का नाम क्या है? शील्डिंग भी, ठीक है। ये जो चैम्बर है इसके अंदर एक लिक्विड भरा जाता है जो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर दे, इट इज मॉडरेटर भी। क्या बोलते हैं इसको? मॉडरेटर। फ्यूल क्या है? यूरेनियम। कर लोगे? रोड यूज करते हैं जो इस रिएक्शंस को कंट्रोल कर सके, कंट्रोल रोड बोलते हैं इनको, मेड बाय बोरोन्स। इस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कूलेंट डाला जाता है, इट इज मेड किसका होता है? लिक्विड ग्रेफाइट या लिक्विड सोडियम भी। यस और नो? शील्डिंग पहला पॉइंट लिखा है ना, शील्डिंग पहला पॉइंट है। शील्डिंग लिख लीजिए, इट इज हार्ड कॉन्क्रीट वॉल्स। इट इज हार्ड कॉन्क्रीट वॉल, हार्ड कॉन्क्रीट वॉल ऑफ 2.5 मीटर थिक। 2 to 2.5 meter थिक। कम दे रखा था बुक में, लेकिन जो बुक में से करेंगे 2 to 2.5 meter थिक, इतनी मोटाई की होती है। कर लोगे? बस इतना लिखते हैं। सेकंड पॉइंट डालिए। सेकंड पॉइंट है न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है। आगे लिखिए यूरेनियम। हाँ जी, इसी में पॉइंट लिखिए। यूरेनियम 92-235 इज यूज्ड फॉर, यूरेनियम
92-235 is used for as न्यूक्लियर फ्यूल, यूज्ड एज ए न्यूक्लियर फ्यूल। समझ में आई? क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज में, कौन सा फ्यूल यूज करते हैं बताइएगा भाई, तो पॉइंट पता होना चाहिए। यूरेनियम यूज करते हैं हम लोग, वहाँ से कर लोगे। यूरेनियम ना मिले तो पोलोनियम भी यूज करते हैं, पी यू लिखा मिलेगा आपको, पोलोनियम्स। ठीक है, मोस्टली क्या यूज करते हैं, यूरेनियम्स भी। नेक्स्ट डालिए, थर्ड पॉइंट है मॉडरेटर, थर्ड पॉइंट मॉडरेटर भी क्या काम करता है ये लिखिए एक बार। इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, मॉडरेटर में लिखिए इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या यूज करते हैं लिखिए, हैवी वाटर, हैवी वाटर। बुक में और भी हैं, ग्रेफाइट, मोस्टली यूज करते हैं हैवी वाटर भाई, हैवी वाटर ग्रेफाइट बहुत हैं, आएंगे तो मोस्टली दो में से आएंगे भी आंसर्स। ठीक है, हैवी वाटर और ग्रेफाइट भी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, कूलेंट, या सॉरी ये लिख दो पहले, कंट्रोल रोड्स भी, कंट्रोल रोड्स लिखिए, इट कंट्रोल द चेन रिएक्शन, इट कंट्रोल द चेन रिएक्शन बाई एब्जॉर्बिंग टू न्यूट्रॉन्स आउट ऑफ थ्री, बाई एब्जॉर्बिंग टू न्यूट्रॉन्स आउट ऑफ थ्री। ओके, हर रिएक्शन में क्या हो रहा है, तीन न्यूट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। लिखिए इसमें क्या यूज होता है, बोरोन। हाँ जी, मेन पॉइंट तो यही है, किसका बना होता है ये, बोरोन इज यूज्ड एज न्यूक्लियर रोड्स भी, बोरोन इज यूज्ड एज न्यूक्लियर रोड्स, सॉरी कंट्रोल रोड्स भी, बोरोन इज यूज्ड एज कंट्रोल रोड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई कूलेंट, कूलेंट क्या करता है, इस पूरी एनर्जी को बाहर निकालता है भाई, एक लिक्विड है कूल करने के लिए पूरे सिस्टम को। कर लोगे, लिख लीजिए, लिक्विड सोडियम इज यूज्ड एज कूलेंट भी, लिक्विड सोडियम इज यूज्ड एज कूलेंट।